ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय आगे पश्य राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब को हाथ उठा कर बोलो बोलो हरे कृष्णा जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं ये स्थान का नाम है ऊंचा गांव। क्या नाम है? ऊंचा गांव। इसका नाम ऊंचा गांव क्यों नाम पड़ा है? बोले कारण है कि ये ललिता सखी की ये गांव है और कृष्ण की आठ मुख्य सखियां हैं, जो पहला नंबर है ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, सुचित्रा, रंगदेवी, सुदेवी, ये आठ सखियां हैं। लेकिन आठ सखियों में जो सर्वश्रेष्ठ सखी है कहते ये ललिता सखी है, इसलिए ललिता सखी सारे सखियों में श्रेष्ठ है, ये सबसे बड़ी है, इसलिए उसका गांव का नाम भी ऊंचा गांव, इसलिए कहते ना सबसे ऊंची प्रेम सगाई। कहते ये ललिता सखी है कौन? कहते ये ललिता सखी और कोई नहीं, इसलिए हमारे बृहदारण्य उपनिषद में बताए जिस समय भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में कल्प वृक्ष को नीचे खड़े हुए, अभी खड़े होते समय कृष्ण सोच रहे हैं कहते एक रूप में तो लीला कर ही नहीं सकता हूँ, इसलिए जिसको वेद में बताया एक अपि बहुश्याम, उन्होंने एक होते हुए भी अभी जब लीला करने के लिए उन्होंने इच्छा की तब उसी समय में उनकी बाम अंग से इतने में धीरे धीरे कंपन शुरू हुआ, कंपन होते होते एक बड़ी सुंदरी प्यारी मानो समस्त ज्योति पुंज को एकत्रित करते हुए उनको बाम अंग से और रास मंडल से प्रकट हुई, इसलिए उसका पहला नाम हो पहला अक्षर हो गया रा। लेकिन उन्होंने कृष्ण की पूजा करने के लिए सुंदर सुंदर पुष्पों को चयन करते हुए धावित हुई, इसलिए उसका नाम हो गया रा, धा नाम पड़ा है, ये एक अर्थ है, है? इसलिए अभी एक से दो हो गए, जब दो हो गए अभी दो में भी लीला इतना संभव नहीं, अभी इसलिए उनका नाम हो गया राधा। राधा मतलब क्या होता है? बोले राधा रानी की दो अर्थ है, बोले कृष्ण न आराध्यते इति राधा बा कृष्णम सम आराध्यते इति राधा। एक अर्थ होता है राधा है जिनको स्वयं श्याम सुंदर भी वृंदावन में सेवा को जो है ना जहाँ पर स्वयं श्याम सुंदर भी जिनकी प्रेम में बसीभूत होकर के जिनकी चरण की सेवा की है, इसलिए उस स्थान का नाम पड़ गया सेवा कुंज है। बोले कृष्णम समाराधयति राधा मतलब कृष्ण राधा जी को आराधना करते हैं और राधा रानी भी कृष्ण को आराधना करती हैं, इसलिए भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अनय आराधित नुनम भगवान हरिश्वर। जिस समय राधा रानी रासलीला छोड़ करके राधा रानी चली गई मान करके है, उसी समय में जिस समय श्याम सुंदर राधा रानी को लेकर चली गई, जब सी राधा रानी को कृष्ण को गोपियां ढूंढ रही थी कृष्ण को चरणों को बीच में एक प्यारी एक बड़ी सुंदर उनने चरण देखा है, चरण चिन्ह देख करके जहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लगता है यद्यपि सभी गोपियां कृष्ण को आराधना करती हैं, लेकिन इस सर्वश्रेष्ठ रूप में अगर कोई आराधना करती है यही गोपी है, जिस वजह से कृष्ण समस्त गोपियों का परित्याग करते हुए केवल श्री राधा रानी को यहाँ से लेकर गए। बोले श्रीमती राधा रानी की।
अभी कृष्ण एक से तो दो हो गए, अभी राधा मतलब जो कृष्ण को आराधना कहती है, अभी राधा रानी सोच रही है मैं अकेला कृष्ण को कितना आराधना कर सकती हूँ, सेवा कर सकती हूँ। इसलिए राधा जी की जो भाव ही वो एक एक उन्होंने रूप धारण की है, जैसे इनका नाम ललिता, ललिता मतलब क्या लालित वा सुंदरता, भाई इनको अनुराधा भी, इनको अनुराधा भी बताया गया है। कभी राधा रानी की रोल भी श्री ललिता सखी करती है। इसलिए तुंग विद्या मतलब क्या, विद्या में जो सर्वश्रेष्ठ है तुंग विद्या है। इसलिए एक श्लोक में बताए बोले तांबुलम भक्त ललिता विशाखाम गंध चंदनी चामरे चंपकलता तुंग विद्या तुनर्तने सुदेवी जल सेवायाम रागे श्री रंग देवी के। कहते एक एक जो सखियां हैं कि इस अनंत रूप में राधा कृष्ण को आनंद देने के लिए अनंत रूप में कौन प्रकट हुई, स्वयं श्री राधा रानी प्रकट हुई। इसलिए कहते ये ललिता क्या करती है, बोले ललिता भक्त तांबुलम, जो पान की जो बिड़िया है ना, ये जो बड़ी सुंदर, आप लोग तो कोई पान खाए नहीं, इसलिए पान की बिड़िया में बड़े सुंदर सुंदर उसमें सुगंध दे करके, बड़े सुंदर सुंदर मसाला देकर जब खाए ना, अब जो होठ है वो लाल हो जाता है, मुंह लाल हो जाता है। एक पान खाओ तो पूरा पता चलेगा भाई अब कोई पान खा रहे हैं। बड़े इसलिए जो ललिता सखी की जो सेवा है, कहते तांबुलम भक्तम ललिता, ये तांबुल की सेवा करती है, बड़े सुंदर, जिसको प्रिया प्रियतम राधा कृष्ण खा करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, हैं? इसलिए तांबुलम भक्त ललिताम बोले विशाखाम गंध चंदने, जो विशाखा देवी बड़े सुंदर श्रृंगार करती है, चामरे चंपक लता, जो चामर में चंपक लता तुंग विद्या तो नर्तने, तुंग विद्या बड़ी सुंदर नृत्य करती है। इसलिए राधा रानी ही अनंत रूप में ये प्रकटित हुए। एक उदाहरण देकर समझाए, जैसे एक तमाल वृक्ष है, तमाल वृक्ष देखने में बड़े सुंदर है, लेकिन तमाल वृक्ष स्वरूप कौन है, बल्कि कृष्ण है, वृक्ष की और भी सुंदरता बढ़ जाती है। यदि ये लता स्वरूपिणी कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी, लेकिन ये लता तो आ गया, लेकिन अगर पत्ता हो जाए ना उसमें और भी सुंदर लगता है। यदि ये पत्ते रूप में कौन है, बोले जो एक जो सखियां है ये पत्ता है। अभी तो लता हो गया, पत्ता भी हो गया सुंदर, लेकिन अगर सुंदर सुंदर मंजरिया आ जाए ना, उसमें सुंदर सुंदर फूल आ जाए, देखना वो पेड़ की सुंदरता बढ़ जाती है। कहती है मंजरी और फूल स्वरूप कौन है, बोले राधा रानी की अनुगत्य में जो सखियां मंजरी ये सब के सब। इसलिए कृष्ण स्वरूप, कृष्ण तो सुंदर है ही है, लेकिन कृष्ण जब सुंदरता बढ़ती है, जब उनको बाम पार्श्व में श्री राधा रानी खड़ी हो जाए, फिर कृष्ण की और भी सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए जो तोता मैना में जो लड़ाई हुई, इतने में तोता कृष्ण का पक्ष ले लेता है, कहते कृष्ण तो हमारी मदन मोहन, मैना कहते चुप रहो मदन मोहन, कृष्ण जब तक हमारी किशोरी जी राधा रानी के पास में हो ना, तब भी वो मदन मोहन, नहीं तो स्वयं मदन स्वयं मोहित हो जाते हैं, हैं? लेकिन राधा रानी, लेकिन उनको आस पास में जब सखियां हो जाती है ना, कृष्ण और भी सुंदर लगता है। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में क्या कहते हैं, बोले तिब्बत वृंदारण्य कल्प द्रुमाधव श्रीमात रत्नागार सिंहासनस्थौ राधा श्रील गोविंद देवौ प्रेष्टालिभि सेवौ मान स्मरामि। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कल्प वृक्षों को नीचे जब श्री श्याम सुंदर राधा रानी और गोपियों को साथ में बेष्टित हो, तब कृष्ण परम शोभायमान होते हैं। इसलिए कृष्ण ही राधा रानी ही ये अनंत सखी रूप में प्रकट होती है। कहते ये ललिता की विशेषत्व क्या है, ये ललिता करती है क्या, काम क्या करती है, बल्कि जो ललिता है उनको जो पिताजी का नाम था विशोक, विशोक है ना, विशोक, और माता जी का नाम शारदा है, विशोक और शारदा। कहते अगर पहले सुन रहे थे ना, अगर पिताजी का गुण अगर लड़की में आए, कहते वो लड़की को सौभाग्यवान मानी जाती है। कहते उनको जो पिताजी के अंदर विशेष गुण किया।